सो है गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आपको रसिंग का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसके यूज करके आप लोग रस करके आसानी से एनिमी को मार सकते हो एंड अपने गेम को जीत सकते हो। एंड ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गाइज आप में से 90% प्लेयर रस करके खेलना पसंद करते हैं। चाहे कोई भी मोड हो, सीएस रैंक हो या फिर बीआर रैंक हो, उन्हें रस करके खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि गाइज वो गेम को ज्यादा लंबा समय तक खींचना नहीं चाहते हैं। एंड एक बात और गाइज, रसिंग करके खेलने से आपका फिंगर का मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाएगा एंड गाइज आप लोग बहुत अच्छे से गेम प्ले कर सकेंगे एंड साथ ही साथ आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। तो गाइज आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले रसिंग करके खेलने से। तो गाइज अभी मैं आपको रसिंग का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड वीडियो को भी देख, लाइक नहीं कराया तो लाइक कर देना। तो गाइज अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज रसिंग करके खेलने के लिए हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो गाइज एक एक्टिव कैरेक्टर है और उसका नाम है तात्सुया कैरेक्टर। तात्सुया की एबिलिटी गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा रस करने के लिए। तो गाइज तात्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी है कि जब आप इसकी एबिलिटी को ऑन करते हो तो गाइज ये 0.3 सेकंड के लिए सुपर सोनिक वेव की स्पीड से दौड़ता है गाइज। एंड गाइज ये 0.3 सेकंड के अंदर 9 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है गाइज। तो आप लोग समझ सकते हो गाइज की 0.3 सेकंड के अंदर 9 मीटर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है गाइज। एंड गाइज जब आप इसकी एबिलिटी को ऑन करके इनेमी के पास जाते हो रस करने, तो गाइज इनेमी को भी नहीं लगेगा। एंड गाइस तात्सुया कैरेक्टर के अंदर एक खासियत है गाइस जो इसकी एबिलिटी को बहुत ज्यादा एडवांटेज बनाता है। एंड गाइस वो खासियत है कि आप इसकी एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हो। मतलब गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग इसकी एनर्जी को कैसे स्टोर कर सकते हो। तो गाइस आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, इसकी एबिलिटी के ऊपर यहाँ पे 2 लिखा है और गाइस ये पूरा ग्रीन है, मतलब गाइस ये फुल चार्ज है गाइस। इसका 2 बार आप लोग यूज कर सकते हो। 2 बार यूज करने के लिए गाइस आपको इसको लगातार यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको गाइस बीच में 5 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर गाइस आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड गाइस जब ये वापस से 0 हो जाएगा तो गाइस इसको पूरा फुल चार्ज होने के लिए 60 सेकंड का टाइम लेना पड़ेगा। 60 सेकंड के बाद गैस यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा ग्रीन का और फिर 60 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो गैस आप लोग समझ चुके होंगे गैस कि इसकी एबिलिटी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो गैस ये रहा तात्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी जो आपको फर्स्ट एक्टिव स्किल में सेट करना है। अब गैस हम बात करते हैं पैसिव स्किल के बारे में, जो आपको 3 कैरेक्टर को सेट करना है तीनों पैजल स्लॉट में। तो गैस आपको फर्स्ट स्लॉट में रखना है गैस केली कैरेक्टर की एबिलिटी। गैस केली की एबिलिटी गैस आप सबको तो पता है, लेकिन फिर भी गैस आपको बता दे रहा हूँ। तो गैस केली की एबिलिटी गैस जब आप रन करते हो तो गैस उस टाइम पे आपका नॉर्मल स्पीड से गैस 6% ज्यादा स्पीड दौड़ोगे आप लोग। केली की एबिलिटी गैस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रसिंग के लिए, क्योंकि जब आप किसी एनिमी को नॉक करोगे तो गाइस उसके पास पहुंचने के लिए आपको केली बॉय हेल्प करेगा। एंड गाइस आप उसके पास फास्ट पहुंच के उसको पूरा मार सकते हो एंड पूरा किल ले सकते हो। एंड गाइस अगर आपके पास इलाइट के लिए तो गाइस आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इलाइट के लिए से, क्योंकि गाइस इलाइट के लिए की एबिलिटी गाइस जब आप दौड़ते हो तो गाइस उस टाइम पे आपको हेल्प करेगी। प्लस गाइस जब आप पहला गोली किसी एनिमी को मारोगे तो गाइस वो 106% ज्यादा डैमेज देगी। तो गाइस आपको इस तरह से हेल्प करेगी इलाइट के लिए और केली दोनों बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस अब हम लोग बात करें सेकंड स्लॉट के बारे में। तो गाइस सेकंड स्लॉट में आपको ऐड करना है मोको कैरेक्टर की एबिलिटी को। मोको की एबिलिटी है गाइस जब आप किसी एनिमी को गाइस थोड़ा सा भी डैमेज करते हो तो गाइस उसके ऊपर एक मार्क बन जाता है, और गाइस अगर वो एनिमी कहीं भाग रहे आपसे छुप गए तो गाइस आप लोग इजीली उसको मार सकते हो खोज के। एंड गाइस वो जो मार्क रहता है वो गाइस 5 सेकंड के लिए मार्क रहता है गाइस, उसके बाद फिर ये गायब हो जाता है। एंड एक बात और गाइस, वो जो मार्क रहता है वो गाइस केवल आपको नहीं दिखेगा गाइस, आपके जितने टीममेट रहेंगे उस सबको दिखने वाला है। तो अगर एनिमी आपसे बच के भागना भी चाहेगा तो गाइस आपके टीममेट तो मार ही देंगे। एंड गाइस अगर आपके पास इलाइट मोको रहेगा तो गाइस जिसका मार्किंग का टाइम रहेगा 6.5 सेकंड, तो मोको और इलाइट मोको में केवल टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो गाइस ये रहा मोको कैरेक्टर की एबिलिटी। तो गाइस हम लोग बात करते हैं थर्ड स्लॉट के बारे में कि आपको थर्ड स्लॉट में कौन सा कैरेक्टर की एबिलिटी को सेट करना है। तो गाइस आप लोग जोटा या फिर लियोन दोनों में से एक की एबिलिटी को ऐड कर सकते हो। एंड मेरा रिकमेंड है गाइस कि आप लोग वहां पे लियोन की एबिलिटी को ऐड करना, क्योंकि गाइस आपका लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रसिंग के टाइम। तो इसकी एबिलिटी गाइस कि आपको कहीं से भी डैमेज पड़ेगा तो गाइस आपको लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी आपको 4 HP/s रिकवर करेगा 15 सेकंड के लिए, मतलब गाइस आपको 15 सेकंड में 60 HP रिकवर कर देगा। एंड गाइस रसिंग के टाइम गाइस आपको भी थोड़ा डैमेज पड़ेगा तो गाइस उस टाइम पे आपको लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी क्या क्या कर सकता है। तो गाइस ये रहा लियोन की एबिलिटी। अगर आप लोग ये सारे कैरेक्टर को अपने गेम में यूज करोगे तो गाइस आप लोग रसिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड अगर आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो गाइस आप लोग इजिली हीरो या फिर मास्टर तक रैंक पुश कर सकते हो गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो एंड वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।